हेलो एवरीवन दिस इज मी सादिया हेयर मैं आपके लिए ले लेके आई हुई एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ लेट्स सी क्या सोच रहा है वो आपको लेकर क्वीन ऑफ फॉर्म्स मुझे लगता है कि आपकी तरफ उसको सर्टन किस्म का पुल फील हो रहा है और मुझे लगता है कि आपको यू नो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके पर्सन लुक वाइज सेक्चुअली भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको मिस कर रहे हैं एक मैग्नेट की जैसे फील कर रहे हैं वो आपको राइट ना उनको एक अजीब किस्म का आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है Uh, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे आपके बारे में और अगर आप इन टच हो अपने पर्सन के साथ तो मुझे लगता है कि कही न कहीं ना uh, कहीं आपके पर्सन शायद आपकी पिक्चर्स भी देख रहे हों या आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो आपकी हर पिक्चर को जूम इन करके देख रहे होंगे वा वी डू हैव टू ऑफ ऑन मुझे लगता है कि आपका पर्सन कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ uh, और कहीं ना कहीं एफ़र्ट uh, करने के लिए रेडी है इस कनेक्शन को लेकर मुझे लगता है कि ऑन एंड ऑफ़ आपके सिचुएशन में कहीं ना कहीं मेंटल फ़िजिकल इमोशनल ब्लॉक्स आते रहेंगे आते रहे हैं लेकिन समझ लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें बेहतर होने की चांसेस हैं आपके कनेक्शन में तो so, मुझे लगता है कि आ, आपका पर्सन कंसिडर कर रहा है आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए और एक सर्टन एक यू नो एनर्जी है आपके पर्सन की राइट ना आपको लेकर जो कि जहाँ पर वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेटिसफाइड हैं आपके साथ रहते हुए और आपके आ, आपका उनके पास होना आपके पर्सन को काफ़ी यू नो अच्छा फील करा रहा है मुझे लगता है कि आपका पर्सन फील कर रहा है कि आप स्लोली बट शोली उसका दिल जीत रहे हो कहीं ना कहीं एम्ब्रॉय की एनर्जी Is, uh, इस इंसान की एनर्जी चेंज हो रही है आपके लिए मुझे लगता है कि इट्स 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 मोर लाइक उनका उनका दिल कर रहा है कि वो आपको कमिट करें उनका दिल कर रहा है कि आपके साथ कनेक्शन को आगे लेकर कर चलें लेट्स ये कि ओरिकल गायरेंस क्या है राइट right नाव uh, आपके लिए इन गिवन सिचुएशन में फ्री यर्स ऑफ इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों के लिए राइट right नाव शायद हाँ uh, आप ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल चुके हो इस कनेक्शन को लेकर और शायद आप कहीं कही ना कहीं अपने आ, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो जहाँ आप, आप आपने अपने आप को काफ़ी सारे पैटर्न से अपने आप को ब्रेक फ्री किया है काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट प्रोसेस से अपने आप को दूर किया है और हो सकता है कि आप लोग राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में हो आप और आपका पर्सन और हो सकता है कि अभी वो आपके बारे में जब सोचते हैं या आपके बारे में आप यू नो जो आप लोगों का पास गुजरा है एक दूसरे के साथ जब वो उसके बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ एक पुल इसलिए भी फील कर रहे हो कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनको जितना प्यार करते थे वो कोई और नहीं कर सकता और आप आप जितने खूबसूरत हो गुड लुकिंग हो उतना कोई और उनको शायद मिल भी नहीं सकता सो so, कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन के साथ या उनकी सोच में आपको लेकर आ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो आपके ख़ुद को लेकर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपका बदल रहा है यू नो पॉजिटिव हो रहा है आपका एटीट्यूड वो काफ़ी मैटर कर रहा है आपके कनेक्शन के अंदर सो so, मुझे लगता है कि जैसे ही आप अपने आप को फ्री करोगे अपने मेंटल ब्लॉक्स के साथ तो मुझे लगता है कि आप भी अपनी लव लाइफ में ये चेंजेस देख सकोगे अपने पर्सन के साथ सो uh, मेजॉरिटी so लोग जिनके साथ ये एनर्जीज़ मैच करेंगी वो वही लोग होंगे जो कि राइट नाव पॉजिटिव सोच रहे हैं अपने आप ले को लेकर और मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स को ब्लॉक नहीं करने दे रहे अपनी लाइफ को इन एनी वे सो ये थी रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शोर सब्सक्राइब जरूर करो आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग टेक केयर बाय